उंड गाइज गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गाइज गुड आफ्टरनून कैसे हो आप लोग सब चलो हाई 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 हेलो हेलो एवरीवान आगे क्या सब लोग हेलो एवरीबाडी दोस्तों वेलकम 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 हेलो श्रीधर हाय कुंज मिश्रा चलो 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 हाय अटल हाय मुकुल विनय सुमरी तनुश्री हेलो गुड आफ्टरनून गाइस चलो फटाफट फटाफट कनेक्ट हो जाओ फटाफट दोस्तों को बोलो आज अपना फर्स्ट डे शुरू हो रहा है ग्रुप टू का बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं तो मतलब गजब मजा आने वाला एकदम माहौल कि ग्रुप, ग्रुप टू जिसके अंदर ऑडिट एकदम धाजु सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं रॉक करेंगे भाई रॉक करेंगे फटाफट फटाफट फट फट कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप टू ग्रुप टू की शुरुआत होगी आज टेंथ ऑफ जून अमेजिंग हेलो एवरीवन प्रेक्षा अभिलाष प्रथम उत्कर्ष ज्योति रंजन कुनिल ओ माय गॉड सब बच्चे अभी आ गए हैं फटाफट 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 ज्वाइन हो जाओ क्योंकि आज हम लोग को शुरू करना है बहुत ही ऑसम क्रिप्टिव चलिए आ जाइए फटाफट कितने बच्चे आ चुके हैं एक्साइटेड हो आप लोग का एक्साइटमेंट लेवल है क्या भाई ग्रुप टू पढ़ने के लिए एकदम भाई ग्रुप वन हो गया है पढ़ के बहुत दिनों से सर ग्रुप वन ग्रुप वन ही पढ़ रहे थे अब जिंदगी में कुछ नया चाहिए कुछ तो भी exciting चाहिए कुछ तो भी नया पढ़ना है बॉस तो भाई आज हम लोग लेके आ गए हैं ग्रुप टू के क्लासेस लाइव एट योर होम एकदम सुपर चलो 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 चलो, चलो। आ गए क्या मेरे दोस्तों यस योर कॉस्टिंग पेंडरेट स्टूडेंट नाउ ऑडिट क्या बात है नमन बहुत मजा आएगा भाई चलिए सो so दोस्तों अगर आप लोग एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बोलो यस सर यस सर यस सर, सर शुरू कर दो मजा आएगा फिर चलिए 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 सब लोग रेडी एक्साइटेड यो मैं भी फुल एक्साइटेड हूं आप भी फुल एक्साइटेड है तो चलिए इस खेल को आगे बढ़ाया जाए ओके okay, दोस्तों चलिए सो so, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन सा है सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं ऑडिट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे भाई सब्जेक्ट कौन सा है अपना सब्जेक्ट है ऑडिट वेरी गुड बराबर ग्रुप कौन सा है ये ग्रुप कौन सा है ये ग्रुप है नंबर टू सर ये सब्जेक्ट मार्क्स कितने मार्क्स का है सर पूरे पूरे हंड्रेड मार्क्स का है भाई हंड्रेड मार्क्स का सब्जेक्ट है इज्जत देना पड़ेगा भाई इज्जत देना पड़ेगा हंड्रेड मार्क्स ग्रुप टू में हंड्रेड मार्क्स बराबर के नहीं राइट ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न की पेपर पैटर्न की पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न हम लोग को इसके अंदर पूछा जाएगा एमसीक्यू क्यू ट्रू एंड फॉल्स एंड उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सो ये अपना पेपर पैटर्न है बराबर के लिए फिर उसके बाद टाइप ऑफ सब्जेक्ट सॉरी यह सब्जेक्ट किस टाइप का है ऑडिट ऑडिट जो है यह है इसको स्टडी करना है इसको स्टडी करना है कैसा इसका स्टडी मटेरियल जो है यह पूरा पूरा थ्योरी है बट इसका जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन है हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकल ये है बायोडेटा ये है सब्जेक्ट ऑडिट का मतलब आपको व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ये आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है ना सो अभी एकदम ध्यान से मन लगा के सुनना है आपको एकदम मस्त ध्यान से सुनिएगा मन लगा के राइट चलिए सो दोस्तों हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट कौन सा ऑडिट की बात कर रहे हैं ग्रुप टू में आता है सौ नंबर का सब्जेक्ट है एमसीक्यूज है इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स है इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसके अंदर करेक्ट है ना तो आपको इसको पढ़ना है टेक्स्ट पूरा पूरा थ्योरी है इसका बराबर के नहीं बट इसका जो एप्लीकेशन होगा वो हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकल होगा करेक्ट है ना फिर इसके बाद आपको बुक्स की बात करते हैं अपन आपसे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और क्या क्या आपको करना है बुक्स जो मैं आपको क्लासेस के दौरान आपको प्रोवाइड करेंगे करेक्ट है ना बुक्स जो आपको दूंगा वो कौन सी कौन सी होगी तो बुक्स होगी अपनी मॉड्यूल वन होगी जो थ्योरी के शुरुआत के आठ चैप्टर्स अपने कवर करेंगे बराबर फिर उसके बाद अपनी होगी मॉड्यूल टू करेक्ट है अनस्टॉपेबल ये सिर्फ इसके अंदर कवर होगा अपना एक ही चैप्टर जो है चैप्टर नंबर फिर उसके बाद आपको मिलेगी एमसीक्यू की बुक्स दो बराबर फिर उसके बाद आपको मिलेगी एक चार्ट बुक बराबर और उसके बाद आपको मिलेगी एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बुक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बुक तो इतने सारे बुक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा ठीक है ना इतने सारे बुक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा जी हाँ दोस्तों तो जैसे आप देखोगे ये अपना मॉड्यूल वन हो गया ये मॉड्यूल टू हो गया इसके अंदर ये है फिर अनस्टॉपेबल ये चैप्टर नाइन है फिर इसके बाद आपको मिलेंगे और बहुत सारे एम सी क्यूज दो एम सी क्यूज की बुक्स आपको मिलेंगी करेक्ट है फिर उसके बाद आपको चार्ट बुक मिलेगी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का बुक मिलेगा आपको करेक्ट है ना तो ये इतनी सारी किताबें आपको मिलेगी दोस्तों करेक्ट है एकदम यस yes. उसके बाद आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है आपसे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ध्यान से सुनने का रिक्वायरमेंट्स आपसे क्या क्या है जब हम लोग इस सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं करेक्ट है ना सो so, एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ठीक है ना सो so, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आप लोगों से दिल पे पत्थर रख के आपने ये सारी चीजें करनी है हाँ भाई आपने ये सारी चीजें करनी है सो so, अब यहाँ पे आपसे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है तो नंबर वन आपने आपकी एक नोटबुक आपके पास रखनी है एक्सक्लूसिवली ऑडिट की आपने अलग से नोटबुक रखनी है आपके पास ध्यान से सुनना आपने एक्सक्लूसिवली आपकी ऑडिट की एक नोटबुक आपने रखनी है मैं बता रहा हूं आपको ऐसा नहीं कि भाई भाईएसएसएम और ऑडिट का एक बुक बना ले या हम लोग इकोनॉमिक्स और ऑडिट का एक बुक बना ले नहीं आपको एक नोटबुक आपकी होनी चाहिए ओन बराबर के नहीं खुद की एक नोटबुक होनी चाहिए ओन नोटबुक आपके पास आपकी होनी चाहिए करेक्ट है ना ये क्यों बोल रहे हो सर अपन ने अपनी नोटबुक क्यों बनानी चाहिए तुम देखो भाई जैसे ये अपना फर्स्ट चैप्टर है जैसे एक झलक दिखलाता हूं मैं आपको बराबर के नहीं तो यहाँ पे आप देखोगे नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये आपको दिखेगा कितना 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 थ्योरी है भाई इसके अंदर बराबर के नहीं कितना थ्योरी है इसके अंदर बस भयंकर थ्योरी 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 ही है इसके अंदर बराबर के नहीं तो भाई तुम बात समझो यहाँ पे कि इतनी थ्योरी अपन पढ़ेंगे बराबर के नहीं तो भाई चांसेस है कि उतना सारा हम लोग रिटेन नहीं कर पाएंगे तो अगर अपने को एकदम अच्छे से पढ़ना है और सारी बातें अगर अपने को रिटेन करनी है तो क्लास के दौरान मैं क्या करता हूं मैं बहुत चीजें लिखवाता हूं और लिखवाता क्या हूं एग्जाम्पल्स लिखवाता हूं एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूं और साथ ही साथ मैं इन जो डिफिकल्ट डिफिकल्टो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक्स है, है या जो लेंदी जो टॉपिक्स है उसको हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है मैं बहुत सारे आपके साथ चार्ट्स आपको बनवाऊंगा बहुत सारे चार्ट्स आपसे लिखवाऊंगा भी है एकदम तो करो no डाउट आपने क्या करना चाहिए भाई तो आपने आपकी एक नोटबुक बनानी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे चीजें हम लोग लिखेंगे करेक्ट सेकेंड आपके पास होने चाहिए मल्टी कलर पेंस आपके पास क्या होने चाहिए मल्टी कलर पेन्स मतलब कम से कम तीन से चार पेन तो होने बहुत जरूरी है आपके पास बराबर के नहीं मतलब चार पेन तो होने ही चाहिए आपके पास आपको सब कुछ नीट एंड टाइडी वे में लिखना है और इतना अच्छे तरीके से लिखना है कि अपने को वो जब बाद में हम लोग चार्ट्स देखे या हम लोग को डायग्राम्स देखे या एक्सप्लेनेशंस देखे तो हम लोग को वो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आना चाहिए बराबर की नहीं तो जिंदगी वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट है बराबर तो वो पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तो इसीलिए अपन ने क्या करना है कि आपने मल्टी कलर पेन्स लेके आने हैं और आपके पास कम से कम चार पेन होना बहुत जरूरी है फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक हाइलाइटर आपके पास क्या होना चाहिए हाइलाइटर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब बच्चा खुद से पढ़ने के लिए बैठा है और खुद से हाईलाइटर लेके बैठा है और पीछे मुड़ के देखा है ना भाई तो दिखता है कि पूरा का पूरा बुक अपन ने हाईलाइट करके रखा हुआ है क्योंकि अपने को क्या लगता है सभी चीजें तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए करेक्ट है ना तो इसीलिए मैं जब आपके सामने ये नोट्स होंगे आपके सामने ये बुक्स होंगी बराबर है ना तो मैं खुद क्या करूंगा मैं खुद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऐसे आपके साथ मैं बैठ के हाईलाइट भी करूंगा करेक्ट है ना कि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ये मैं आपके साथ क्या करूंगा इसको आराम से इसको हाईलाइट करूंगा तो आपकी किताब और मेरी किताब बिल्कुल भी क्या हो जाएगी एकदम सेम टू सेम डिटो रेप्लिका हो जाएगी तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइनिंग एक्सप्लेनेशन राइटिंग जो भी हम लोग को लिखना है ये अपन यहाँ पे लिखेंगे इसी बुक में लिखेंगे एक बार और यहीं पे सब अपन कंटेंट इकट्ठा करेंगे करेक्ट फिर उसके बाद आपके साथ आपके पास होना चाहिए क्या होना चाहिए स्टिकी नोट्स होने चाहिए सुपिल so, सर ने तो आपको बताया ही होगा मैं भी बता देता हूं आपको कि स्टिकी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कोई हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं या छोटे छोटे, छोटे चार्ट्स बनाते हैं या कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो वो उसको हम लोग वहीं पे स्टिकी नोट्स लगा के हम लोग वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं लिख देते हैं करेक्ट है एकदम सो इसके लिए आपने क्या करना है आपने एक आपकी नोटबुक होनी चाहिए आपके पास मल्टी कलर पेन्स होने चाहिए आपके हाईलाइटर होना चाहिए स्टिकी नोट्स होने चाहिए फिर उसके बाद आखिरी जो रिक्वायरमेंट है बराबर के नहीं आखिरी जो रिक्वायरमेंट है जो आपको एकदम दिल पे पत्थर रख के आपने एकदम उसको हाँ बोलना है और वो क्या है कि आपने क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना है आपने रेगुलर आपका अटेंडेंस होना जरूरी है बिल्कुल भी कैजुअल एटीट्यूड ना रखे देखिए हम लोग समझते हैं हम लोग जानते हैं कि हम लोग दिन भर घर पे हैं करेक्ट है ना कोरोना वायरस के वजह से के नहीं जा रहे बाहर कहीं क्लासेस भी नहीं हो रहे घूमने फिरने का कोई स्कोप ही नहीं आता है और अपने जो एग्जाम्स है वो नवंबर में आने वाले हैं करेक्ट है ना तो भाई अपने को इतना सब कुछ कम समय में अपने को बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी है इसमें अपने को कोई डाउट नहीं है सो मेरी बात समझ ले बेटा

तो बाद में जब आपको सेल्फ स्टडी आप करोगे करेक्ट है ना तो आपको सेल्फ स्टडी करने में आपको बहुत अच्छा आ, अच्छा कंफर्ट आ जाएगा आपको ठीक है ना सो तो आपको भाई बता रहा हूं आपको रेगुलर अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है करेक्ट है ना यहाँ पे एजे कैसे आपको पढ़ेगा एजे टीचिंग स्टाइल बराबर के नहीं मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको ध्यान से सुनिएगा एकदम एकदम ध्यान से सुनना है एजे टीचिंग स्टाइल अब मेरा बच्चा ध्यान से सुनना अब जैसे कुछ बोल रहा हूं कुछ बातें आज क्लियर हो जानी चाहिए आपकी इतनी सारी चीजें ये है अपनी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होंगे भाई तो एकदम आराम से ध्यान से सुनना ठीक है ना सो वॉट विल बी द टीचिंग स्टाइल मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको ये ध्यान से सुनना भाई ठीक है ना एजे टीचिंग स्टाइल कैसा होगा अब तुम समझो बात को कि देर इज ऑलवेज अड टू इनोवेट

अपने सामने 200-500 बच्चे बैठे हुए हैं और अपन उनको पढ़ा रहे हैं करेक्ट है ना और उन्हीं क्लासेस को अपन क्या करते थे रिकॉर्ड करते थे और वो अपन पूरे वर्चुअल सेंटर्स पे बोलो या पेनड्राइव के फॉर्म में बोलो गूगल ड्राइव के फॉर्म में बोलो अपन सबको देते थे वो करेक्ट है ना एकदम तो अब तुम समझने की कोशिश करो सिचुएशन एफ चेंज ना ड्रास्टिकली देर चेंज करेक्ट है ना कभी अपन ने सोचा था कि अपनी क्लास जो ग्रुप टू की क्लास होगी जिसका डे वन जो होगा वो किसी लाइव फेस टू फेस क्लास में नहीं बल्कि आज अपना जो फर्स्ट डे होगा वो अपना यूट्यूब पे होगा करेक्ट है जहां पे आप कहीं बहुत दूर बैठे हुए हो मैं कहीं आपके दूर बैठा हुआ हूं बट आज हम लोग एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं करेक्ट है अब देखो इसमें चैलेंजेस तो बहुत सारे आएंगे आपके क्वेरीज रहेंगे मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा वो आपको क्लिक होना चाहिए जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपके क्वेरीज आप उसको कैसे मेरे साथ पहुंचाओगे तो ये बहुत सारी चीज है करेक्ट है ना सो लाइव क्लास में क्या होता है वो सारी चीजें इंस्टेंट होती है और रिकॉर्डिंग्स में भी क्या हो जाता है वो फटाक से सामने आ जाता है बट अब जैसे इतने दिन हम लोग मेहनत कर रहे थे कि इन लाइव क्लासेस को किस तरीके से कंडक्ट करें जिसमें बच्चे को 100% परसेंट कंफर्ट आना चाहिए बराबर के नहीं एक टू दी एक्सटेंट उसको एकदम मस्त सौ ट उसको कंफर्ट आना चाहिए करेक्ट है ना एकदम तो इसके लिए मैं यहां पे जब आपको पढ़ाऊंगा कोई भी चीज करेक्ट है ना तो भाई आपको है ना एकदम पूरा पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपका होगा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन आपका होगा पहले तो मतलब इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा मतलब आपको समझ में भी आ गया होगा फिर भी मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा तुम बोलोगे बस भाई समझ में आ चुका है अभी आगे बढ़ते हैं बट कहीं ना कहीं तुम समझो 19 20 कोई कांसेप्ट रह जाता है बराबर तो उस केस में आपको पहले पूरा डिटेल्ड कांसेप्ट एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा जो मेरा 7 साल का जो एक्सपीरियंस है ऑडिट पढ़ाने का तो उसके दौरान मुझे बहुत सारे बच्चों के बच्चों से बहुत सारे इंटरेक्ट करा हुआ उनके माइंडसेट मुझे पता है कि क्या क्या वो सोचते हैं क्या क्या क्वेरी उसके ऊपर आ सकता है तो आई ट्राई टू रिकलेक्ट ऑल दो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आपके वो क्वेरीज मैं जो बच्चों के पास बच्चों के जो क्वेरीज थे उनको इनकॉर्पोरेट करके आपको वो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपके जो क्वेरीज आने के चांसेस जो है वो मिनिमम हो जाए करेक्ट है ना वो कॉन्सेप्ट आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा करेक्ट है ना एकदम यस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मैं नेक काम कर रहा हूं यहां पे एकदम बढ़िया तो अब यहां पे आप अभी ध्यान से सुन सकते हो अब जो बच्चे को पढ़ना है बस वही पढ़ेगा चैट मैंने बंद कर दिया है क्योंकि कुछ जबरदस्ती कमेंट कर रहे हैं कुछ भी जो इससे रिलेटेड नहीं है तो अपन पढ़ाई पे फोकस करते हैं ऐसे ही डिस्टर्बेंस आएंगे तो इसके लिए अपने पास ऑप्शंस भी हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे तो अपना पढ़ाई के ऊपर फोकस रहेगा बराबर जो एलियन फोर्सेस हैं उनको अपन इग्नोर करेंगे तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन आपका होगा करेक्ट है ना फिर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होने के बाद हम उस कॉन्सेप्ट को अगर वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बराबर के नहीं तो उस कॉन्सेप्ट के हम लोग क्या करेंगे चार्ट बनाएंगे बराबर एकदम बहुत अलग अलग कलरफुल चार्ट्स बनाएंगे अपन फिर उसके बाद चार्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे उस कॉन्सेप्ट को और अगर अच्छे से समझना है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग उस के के प्रैक्टिकल भी देखेंगे बराबर के नहीं जो रियल लाइफ में हम लोग को काम में आना है जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है ये सब्जेक्ट हंड्रेड परसेंट नहीं बट सेम वे में इसका एप्लीकेशन भी कैसा है हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकल है तो हम लोग जब आर्टिकलशिप शुरू करेंगे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे नो no डाउट हम लोग को इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है करेक्ट है तो इसके लिए इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं किसकी पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसके चार्ट्स बनाएंगे हम लोग चार्ट बनाने के बाद हम लोग उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वो ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन के साथ साथ भी देंगे फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट वॉट cumulative revisions ठीक है ना ये अपना जो है ना ये usp है ये ये अपनी usp है ये अपना एस है ये मतलब ट्रम्प कार्ड है अपना cumulative revision भाई एक बार आपके कांसेप्ट आपके बॉडी में चला गया आपके पास उसका चार्ट है एग्जांपल्स आपने नोट डाउन कर लिए फिर हम लोग जो बात करेंगे वो बात क्या होगी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे cumulative revision करेंगे और सिर्फ और सिर्फ मतलब कैसे आज आपका डे 1 आज मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाऊंगा आज कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा आज कुछ समझाऊंगा जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया लिखाया समझाया वो कल जब अपन लेक्चर शुरू करेंगे अपना करेक्ट है ना तो वो पहले हम लोग मिनट्स जितना जाएगा समय उतना जाएगा उसको हम लोग रिवाइज करेंगे वो रिवाइज होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे की कहानी शुरू करेंगे फिर थर्ड डे फर्स्ट और सेकंड डे का ऐसे हमारा चलते जाएगा चलते जाएगा इस तरीके से हम लोग क्यूमलेटिव रिविजन करते जाएंगे देखिए दिस डज नॉट मीन कि हम लोग उन चीज को हम लोग मगअप कर रहे हैं देखिए हम लोग ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है बट कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको रिटेन भी तो करना पड़ेगा और रिटेन करने के लिए हम लोग उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते हैं देखिए एकदम सिंपल सी बात है लोग इसे बोलेंगे कि यार सिर्फ रट्टा मार रहे है क्या इसको सिर्फ मगअप कर रहे हैं क्या तो लेट मी क्लैरिफाई वन सिंपल थिंग आप एग्जाम के एक दिन पहले भी आप बैठ के इन सारी बातों को रिवाइज ही करोगे तो अगर मैं आपके साथ थ्रू आउट ये सिक्सटी सिक्सटी फाइव डेज अगर मैं आपके साथ बैठ के आपके साथ ये पूरे पूरे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ तो वॉट्स द हार्म बराबर ये तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है करेक्ट है ना तो भैया कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग डेली बेसिस पे फ्रीक्वेंटली बेसिस पे हम लोग उसको क्या करेंगे हम लोग उसको क्यूमुलेटिवली रिवाइज करेंगे करेक्ट है एकदम सो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होगा चार्ट होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगे होंगे आपके करेक्ट है yeah. तो ये सारी बातें और जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे तो आपको और बहुत सारी बातें आपको क्लिक होती भी जाएंगी करेक्ट है ना एकदम सो so, दोस्तों ये है इन ब्रीफ बराबर के नहीं ध्यान से सुनिएगा दिस इज वॉट इन ब्रीफ ऑब्वियसली रोज रोज थोड़ी ये इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट का तो हम लोग क्या उम्मीद करें इस सब्जेक्ट से कैसा है ये सब्जेक्ट तो ये जो है बेटा ये सब्जेक्ट का एक ब्रीफ है बराबर के नहीं कि हम लोग उसको किस तरीके से इन सारी बातों को हम लोग अचीव करेंगे इस ऑडिट सब्जेक्ट को ठीक है ना सो दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू करेक्ट है एकदम राइट यस सो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जैसे वी आर इन टू जो बैच है अपना ये कैसा बैच है ब्लेंडेड बैच है सर इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव एज वेल एज वॉट द क्लासेस बराबर तो हम लोग आपके साथ लाइव आएंगे ही प्लस साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी तो इस हिसाब से वी विल बी हैविंग अ गुड कनेक्शन ईच अदर और इसमें हम लोग क्या करेंगे वीकेंड्स वीकेंड्स पे पे बराबर के नहीं पे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ एलियन फोर्सेस आते हैं बराबर के नहीं वो कुछ भी कमेंट करते रहते हैं कुछ भी बकवास करते रहते हैं तो जो बच्चे को जेन्युनली पढ़ना है जिसको सही में आगे बढ़ना है जिसको अपना नाम रोशन करना है अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है तो वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है उस वजह से तो उसके अपन क्या करते हैं वीकेंड्स को बराबर के नहीं वीकेंड्स को वी विल कीप व्हाट द डाउट सॉल्विंग सेशन अपन क्या करेंगे डाउट सॉल्विंग सेशन जिसमें हम लोग ये चैट ऑन रखेंगे और जो बच्चे की क्वेरीज है करेक्ट है ना जो उसने हफ्ते भर पढ़ा है तो उसके क्वेरीज वो वहां पे पोस्ट करेगा बराबर है कि नहीं और अपन क्या करेंगे उन क्वेरीज को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व भी करेंगे साइमल्टेनियसली वॉट विल भी कि मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे आपका जो पढ़ाई का जो प्रोग्रेस है वो भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं ओके okay? ठीक है सो so, दोस्तों ये ब्लेंडेड बैच में आपको ट्रस्ट मी ट्रस्ट टीम एसपीसी एकदम बेस्ट आपको पढ़ाया जाएगा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम करेक्ट है ना एकदम मस्त सो so, बहुत सर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया सर बराबर के नहीं ऑब्वियसली ये तो वन टाइम है करेक्ट है तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट करें इस ब्लेंडेड बैच से क्या क्या एक्सपेक्ट करें हर्षद से पढ़ाएंगे उसको किस तरीके से होगा करेक्ट है एकदम यस सो दिस इज द पेपर पैटर्न द टाइप ऑफ सब्जेक्ट बुक्स रिक्वायरमेंट्स मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी ये किस हिसाब से होगा ये सब एंड नो डाउट यस आपको जैसे कहा गया था कि आपकी यहां पे क्लास टेस्ट भी होगी आपकी क्या होगी आपकी क्लास टेस्ट भी होगी आपकी तो जैसे जैसे अपने चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे तो आपके चैप्टर वाइज पेपर्स भी होंगे और वो चैप्टर वाइज पेपर्स आपने सॉल्व करने के बाद आपको उसके मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे बराबर के नहीं तो ताकि आप इवेल्युएट कर सको कि वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड राइट सो ये सारे आपसे मतलब ये ब्लेंडेड बैच में इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी एंड रेस्ट अश्योर पढ़ाने का हम पे छोड़ दो भाई नो no डाउट आपको बहुत मजा आएगा ठीक है ओके okay, सर तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं भाई अब बहुत बोल दिया ऐसा वैसा ये होगा वो होगा अब जो बात करनी है भैया नेक्स्ट लेवल बस खलास तो अब जो हम लोग बात करेंगे अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग एक सब्जेक्ट की ऑडिट की करेक्ट है ना सो अब ऑडिट की जब बात करनी है हम लोग ऑडिट के ऊपर जो चर्चा करना है बस अभी उसको शुरू करते हैं दोस्तों So, आज हम लोग सब्जेक्ट क्या है ऑडिट क्या होता है ऑडिट किस तरीके से होता है इसके बारे में आज हम लोग एकदम सुपर तरीके से हम लोग जानकारी लेंगे आज ऑडिट क्या है भाई इसको हम लोग समझ लेंगे ठीक है ना तो पता चलेगा कि आने वाले जो साठ दिन है हम लोग को किससे रिलेशन किस रिलेशन में किस तरीके से अपने को पढ़ना है ठीक है सो so, दोस्तों आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑडिट सो so, दोस्तों मैं एक आपको एक सिंपल एग्जांपल एक सिंपल इलेट्रेशन देता हूं मैं आपको आपको वो बहुत ही इतना सही कनेक्ट होगा ना इतना मजा आएगा ना आपको आप बोलोगे यार अच्छा ये है क्या ऑडिट ओके देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ पे ना अपन क्या है अपन घर पे है बराबर ये आपकी मम्मी यहाँ पे है बराबर ये माँ है यहाँ पे आपकी करेक्ट तो अब यहाँ पे क्या हुआ ये मम्मा आपकी और यहाँ पे आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बराबर तो ये यहाँ पे जो है ये बच्चा है यहाँ पे मतलब वो बच्चा कौन आप वो बच्चा तू है वहां पे ठीक है ना सो अभी जो ये छोटू छोटू जो बच्चा है ना तू अब हुआ क्या बेटा ध्यान से सुनिएगा मन लगा के सुनना क्या हुआ कि जैसे आप घर पे आए ना तो मम्मी ने आपको बोला ध्यान से सुनना कि बेटा ये मेरा प्यारा मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा है ना बेटा ये एक लिस्ट है ये लिस्ट है बराबर ये लिस्ट है जो मार्केट से आपको ये सामान लेके आना है बराबर के नहीं ये आपको इतने सारे ये गुड्स आपको लेके आने हैं या आपको ये इतने सारे अलग अलग आपको क्या करना है या आपको प्रोडक्ट्स लेके आने हैं ध्यान से सुनना एकदम बेसिक से जाएगा एकदम बेसिक से जाएगा तुम ये मत सोचना कि डायरेक्ट पहले ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाओ डायरेक्ट पहले कंपनी ऑडिट पढ़ाओ ये करूं वो करूं नहीं बेटा विल गो विद बेसिक बराबर के नहीं एकदम बेसिक से फ्लो बनाएंगे पहले फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग करेंगे और फिर उसके बाद है ना सब्जेक्ट को ऐसा उठाएंगे मां कसम बहुत मजा आएगा आपको ठीक है ना सो so, आपको मम्मा ने क्या दिया है ये लिस्ट दिया है और बोला है जा बेटा ये मार्केट से है ना सामान लेके आना ये प्रोडक्ट्स आपको लेके आना आप बोलते हो नहीं ना मम्मा मैं, मैं करना ऐसा वैसा ये वो। तुम वो जो है ना अपने घर का जो काम करने वाला जो बंदा है, है। मम्मा मैं, मैं मैं को, मैं को बोलती है बेटा छोटू चला गया है अभी उसका टाइम खत्म हो चुका है आज वो जल्दी गया है उस कुछ काम के वजह से तो बेटा देखो ये मार्केट से सामान लेके आना पड़ेगा ऑप्शन नहीं है तेरे पास आई बात समझ में तो अब क्या हुआ तुम समझो बेटा तुम जैसे तैसे मम्मी को कन्विंस कर रहे थे नहीं मम्मा मेरे को नहीं जाना प्लीज ना तो मम्मा ने अपना वाइल्ड कार्ड प्लीज घर में सुनने वाला है ही कौन बस दिन भर मैं काम करती हूं थकते तो तुम ही हो मैं तो कभी थकती नहीं हूं ऐसा मम्मी ने जैसे ही ये चीज बोल दी बराबर के नहीं ऐसा जैसे मम्मी ने ये चीज बोल दी बराबर के नहीं ओके okay. हैंग हो गया था शायद ओके okay. तो जैसे ही मम्मी ने ये चीज बोल दी ना भाई तो उस केस में क्या हुआ उस केस में क्या हुआ आप बोलते हो मेरी माँ मैं जा रहा हूं तू टेंशन मत ले भाई इमोशनल मत कर तू बस मैं जा रहा हूं दो मुझे लिस्ट दो मैं जा रहा हूं ये सारे प्रोडक्ट लेके जा रहा हूं तो मम्मा ने आपको पैसे दिए ये लिस्ट दे दी और आप ये लिस्ट लेके बराबर के नहीं ये लिस्ट लेके हाई गाइज कैन यू हियर मी मैंने कमेंट्स ऑन किए हैं अभी के लिए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अरे यार स्पीड तो अच्छा बता रहा है ये तो अब देखो भाई अब समझ में आया हेलो एवरीवन गाइस चलिए अब समझ में आया क्या अभी गुड थोड़ा सा थम्सअप देके बता दो कि सर अभी आवाज वगैरह एकदम सही आ रही है एकदम सर वी आर गुड टू गो एकदम जरा बताओ मेरे को थम्स अप देके बता दो कि यस सर इट्स गुड करके तो वी कैन गो अहेड भाई चलो, चलो 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 वेरी गुड वेरी गुड सो वी आर बैक ऑनलाइन यस सो क्या हुआ हम लोग स्टोरी पे कहा थे मैं आपको बता दू कि मम्मा ने आपको बोला कि बेटा यार ये तुझे काम करना पड़ेगा ठीक है ना तो आप बोले नहीं मम्मा मैं तो नहीं करूंगा मैं थक गया हूं ऐसा वैसा तो मम्मा ने आपको बोला कि बस बेटा तू ही थकता है हम तो थकते नहीं है ऐसा वैसा करेक्ट है ना तो मम्मा ने ये सब चीज आपको बोल दी तो आप क्या हो गया आपने जैसे आपने जैसे तैसे आपको बोला ठीक है लाओ यार मम्मा ये पूरा लिस्ट जो है ये आप मुझे दे दो मैं जाता हूं मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे जो भी आपका काम है वो करता हूं तो जैसे ही ध्यान से तो सुनना जैसे ही क्या हुआ आप घर से निकले कुछ दूर चलते ही रस्ते में आपको मिलता है कौन रस्ते में आपको मिलता है छोटू बराबर कौन मिलता है आपको छोटू तो छोटू जो आपका जो घर का हेल्पर है वो आपको मिलता है और वो आप उसे देखते हो वो आपको देखता है और उसी समय पे आपने उसे बोला मम्मा ने ते को एक काम बोला है मम्मी ने ते को एक काम बोला है ये रहे लिस्ट और ये रहे पैसे और तुझे जाना है मार्केट से ये सारा का सारा सामान जो है ये तुझे लेके आना है कब से मम्मी तुझे फोन ट्राई कर रही थी कब से मैं ट्राई कर रहा था तुझे आइडिया नहीं है भाई कब से तो वो छोटू बोलता है वो छोटू बोलता है भैया मैं तो अभी मेरी छुट्टी हो गई है मैं नहीं जा रहा हूं ऐसा वैसा मम्मा को बोल दो मैं तो बोल के निकला था ऐसा वैसा तो वो छोटू को जैसे ही उसने बोला तो वो बच्चा क्या जो बच्चा है मतलब जो आप हो आप क्या बोलते हो भाई भाई देख ले मम्मी को बोल ले तू जाके मेरे को नहीं बोल लगा मम्मी को फोन मम्मी ने बोला है तेको अब वो भी तो है मम्मी से डरता है ना आखिर तो ये छोटू ने क्या किया ये छोटू ने गया वो मार्केट में और वो मार्केट से पूरा पूरा सामान लेके आ गया मतलब वो मार्केट गया सामान खरीद रहा है तब तक आप अभी घर के बाहर ही हो और आप घर के बाहर मतलब आप मस्त एकदम चिल कर रहे हो करेक्ट है ना मस्त आप एकदम घर के बाहर चिल कर रहे हो आप आपका इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्नैपचैट बराबर के नहीं यूट्यूब फेसबुक सब चीजें आप चला रहे हो मस्त एकदम बराबर घर पे तो मम्मी चिल्लाती है मम्मी तो घर पे पढ़ाई को बिठा देगी करेक्ट है ना तो जैसे ही फिर ये जो छोटू है ये छोटू ने क्या किया ये आ गया छोटू बराबर छोटू के हाथ में क्या थे दो बड़े बड़े बैग्स थे बराबर के नहीं जो लिस्ट लेके आया वो जो सामान जो लेके आया ना वो तो वो बड़े बड़े बैग्स वो लेके आ गया सामान बराबर के नहीं और अब वो जा रहा था सामान लेके वो मम्मी को दे रहा था वो करेक्ट है ना कि जाके अब वो मम्मी को दे देगा बराबर तो लिस्ट तो अभी ये है लिस्ट और ये कुछ पैसे बचे हुए अब क्या हुआ जैसे ही ये सब लिस्ट और कुछ बचे हुए पैसे लेके आया और छोटू यहां पे घर पे जा ही रहा था तो उत्ते में आपने छोटू को रोका आपने छोटू को रोका और छोटू को बोला अरे यार तू ले आ गया सामान वाह यार थक गया होगा ना तो अभी जानते मैं ये रख के आ जाता हूं घर पे आप बहुत स्मार्ट हो आप बहुत चालाक हो तो आपने छोटू से क्या कर लिया छोटू से आपने ये सामान ले लिया बराबर के नहीं आपने ये छोटू से पूरा पूरा सामान ले लिया करेक्ट है ये ले लिया उससे ये जो लिस्ट है बचे हुए पैसे आपने उससे ले लिए करेक्ट है ना और आप उसको छोटू को बोलते हो जा बेटा छोटू तू अब निकल ले करेक्ट है ना अब तेरा काम हो गया अब वो छोटू जो है ना वो चला गया छोटू अपना काम करने में चला गया छोटू लेटेस्ट से इज बैक ऑन कॉल वो वापस अपना फोन पे लगा रहा करेक्ट है ना अब हुआ क्या ध्यान से सुनना अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा ध्यान से सुनना अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मेरा बच्चा तुम्हें को एक बात बता ये जो गुड्स है और ये जो लिस्ट है और बचे हुए पैसे क्या डायरेक्टली आप डायरेक्टली आप मम्मा को दे दोगे क्या नहीं ऑब्वियसली आप डायरेक्टली मम्मा को नहीं दोगे ऑब्वियसली आप डायरेक्टली मम्मा को नहीं दोगे आप क्या करोगे पता है आप क्या करोगे ये जो लिस्ट है बराबर आप बहुत चालाक हो सीए कर रहे हो ना आखिर आप क्या करोगे कि भाई ये जो लिस्ट है ना ये लिस्ट और ये जो बचे हुए पैसे तुम क्या करोगे ये जो वो आइटम्स ले आया है छोटू करेक्ट है ना ध्यान से सुनना ये जो आइटम्स जो ये छोटू लेके आया है आप क्या करोगे इन आइटम्स को आप कंपेयर करोगे इस लिस्ट के साथ बराबर की नहीं अच्छा ये लाने को बोला था ये है क्या ये है क्या ये है क्या ये है क्या ये सारे आइटम्स आप चेक करोगे उनके आप क्या करोगे प्राइजेस को आप चेक करोगे कि अच्छा इतने में आया, इतने में में आया आया तो आपने यहाँ पे क्या किया आपने वो प्रोडक्ट है या नहीं है वो आपने देखा उस प्रोडक्ट की प्राइस जितना उसमें लिखी हुई है उतना ही है ना और फिर जो यहां पे जो बैलेंस बचा हुआ है फिर जो यहां पे जो बैलेंस बचा हुआ है वो ये ये कभी हुआ होगा ना आपके साथ ऐसा कभी आपने किया होगा करेक्ट है एकदम तो अब मेरा बच्चा ध्यान से सुनना ये जो पूरा जो एक्टिविटी आपने जो किया ना भाई ये पूरा का पूरा एक्टिविटी जो आपने किया बस इसे कुछ नहीं बट इसे ही कहते हैं ऑडिट आ हा हा इसे ही कहते हैं ऑडिट मतलब क्या है तुम समझो बात को ऑडिट की जब मैं बात करता हूं यहां पे मेरा बच्चा ध्यान से सुनेगा जब मैं यहां पे ऑडिट की बात करता हूं तो ऑडिट मतलब होता क्या है भाई सो so, ऑडिट मतलब होता है क्या चेकिंग ऑडिट मतलब होता है क्या वेरिफिकेशन बराबर क्या नहीं ऑडिट मतलब होता है क्या स्क्रूटिनी बराबर क्या नहीं ऑडिट मतलब होता है क्या इवैल्यूएशन? अरे ऑडिट मतलब होता है क्या एनालिसिस बराबर के नहीं तो ये सारी बातें तुम समझ रहे हैं क्या बात को ये सारी बातें जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं ये कुछ नहीं है बट इसे ही तो कहते हैं ऑडिट ऑडिट मतलब क्या है ऑडिट मतलब क्या है ऑडिट मतलब ही तो है एग्जामिनेशन ऑडिट मतलब ही क्या है एग्जामिनेशन बराबर क्या नहीं सो ऑडिट मतलब ही क्या है बोलो ना रिव्यू बराबर के नहीं सो भाई ये सारे के सारे जो अलग अलग चीजें है ना ये सिनोनिम्स है ये सिनोनम्स है बराबर के नहीं इसे तो हम लोग क्या कहते हैं ऑडिट कहते हैं भाई इसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं ऑडिट कहते हैं सो व्हाट इज ऑडिट ऑडिट मतलब क्या है भाई ऑडिट मतलब है चेकिंग वेरिफिकेशन इवैल्यूएशन स्क्रूटिनी एनालिसिस एग्जामिनेशन चेकिंग ये सब बातें मतलब क्या है भाई ये सब बातें मतलब क्या है ऑडिट तो तुम समझो अब बात आती है कि अच्छा तो सर मैं मतलब जो बचपन से ये काम कर रहा था कि मैं किसी को काम सौंप के फिर मैं ये पूरा का पूरा जो चेकिंग करता था वेरिफिकेशन करता था तो सर इसको ही हम लोग ऑडिट कहते हैं हाँ तो सर घर में ऑडिट होता है कि ऑडिट कहां होता है सर सर ऑडिट होता है तो कहां होता है ऑडिट ये बताइए सर आप हमें सो तो दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा बिजनेस एंगल से मैं इसको पढ़ाऊं आपको जरा मैं इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा मैं आपको इसको समझाऊं तो तुम समझो मेरी बात को जो बच्चा है ना बच्चा यहां पे बराबर के नहीं और जो ऑडिटर है और जो छोटू है ध्यान से सुनना सब ये ये छोटू जो है ये कौन है कौन भाई तुम समझो बात को ये 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 छोटू छोटू जो कौन कौन है 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 मैनेजमेंट छोटू कौन है ये मैनेजमेंट है, है, है? है इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हम लोग पढ़ लेते हैं ये छोटू कौन है भाई ये छोटू कौन है ये मैनेजमेंट है ये छोटू मैनेजमेंट है जिसने पूरा का पूरा काम किया है बराबर के नहीं मम्मी जो है मम्मी मम्मी जो है ये कौन है ये यूजर है बराबर के नहीं मम्मी कौन है ये यूजर है पैसा किसका है या यूजर बोलने से अच्छा मम्मी कौन है मम्मी कौन है स्टेक होल्डर है मम्मी कौन है स्टेक होल्डर है क्योंकि भाई पैसा किसका है पैसा मम्मा का है पैसा किसका है भाई पैसा किसका है मम्मा का है पैसा बराबर के नहीं तो मम्मी स्टेक होल्डर है मम्मी इन्वेस्टर है मम्मी शेयर होल्डर है तुम समझ रहे बात को और फिर आप यहां पे जो बच्चा है ये बच्चा कौन है ऑडिटर है ये बच्चा कौन है ऑडिटर है तुम समझो अभी बात को यहां पे मैनेजमेंट ने कुछ काम किया है बराबर के लिए वो जो काम किया है जिसमें किसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है स्टेक होल्डर का स्टेक होल्डर का क्या होता है स्टेक होल्डर का क्या होता है उस पैसे में उसका क्या है भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो इसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए यहां पे कौन आता है भाई यहां पे कौन आता है ये अपना ऑडिटर आता है बराबर की नहीं तो तुम समझने की कोशिश करिएगा ऑडिटर क्या करता है मैनेजमेंट ने जो काम किया है वो मैनेजमेंट का काम चेक करके वो जो शेयर होल्डर्स है उन्हें रिपोर्ट करता है कि बाबा ये जो काम जो किया गया है वो सब काम बराबर है आई बात समझ में आपको वो जो काम है वो सब बराबर से किया गया है आई बात समझ में आपको सो दिस इज इज वी टॉक अबाउट ऑडिट मैनेजमेंट कुछ काम करता है भाई मैनेजमेंट कुछ काम करता है मैनेजमेंट ने जो काम किया है वो वो काम वो क्यों करता है क्योंकि शेयर होल्डर्स ने मैनेजमेंट के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है बराबर के नहीं स्टेक होल्डर्स ने फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ने बराबर के नहीं उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है किसको मैनेजमेंट को कि भाई तुम ये काम करो बराबर की तुम ये काम करो बट अब क्या हुआ मैनेजमेंट सही से काम करेगा बताइए इस छोटू पे आपको भरोसा है क्या ये छोटू पे भरोसा है क्या?

यहां पे एक चीज हम लोग को समझ में आ गई ऑडिट इज वॉट एन एग्जामिनेशन आई बात समझ में आपको यस yes. अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं अब जैसे यहां पे ये तो अपना एकदम हाउस होल्ड एग्जाम्पल था अब इसको थोड़ा और जो मैनेजमेंट है ऑडिटर है स्टेक होल्डर है उसको थोड़ा और हम लोग क्या करते हैं इंप्रोवाइज करते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग और इंप्रोवाइज करते हैं और अच्छा करते हैं इसको अब जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट ने क्या किया अभी ध्यान से सुनना मैनेजमेंट ने सबसे पहले क्या किया तुम ध्यान दो अभी एकदम मन लगा के फुल एकदम माहौल माहौल जमाएंगे अभी अब मजा आ रहा है मेरे को अभी अभी रिदम में आ गए अपन बराबर के नहीं ध्यान से सुनिएगा अब मैनेजमेंट ने जो क्या किया है मैनेजमेंट ने सबसे पहले ट्रांजेक्शन एंटर किया बचपन की बातें याद करो आप फाउंडेशन में आप स्टेटमेंट्स बना एकदम ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से मन लगा के एकदम ध्यान से सुनना सो पहले ट्रांजैक्शन हुआ पहले ट्रांजैक्शन हुआ उसके बेसिस पे जनरल एंट्रीज फिर उसके बेसिस पे लेजर पोस्टिंग उसके बेसिस पे क्या हुआ ट्रायल बैलेंस बना उसके बेसिस पे क्या बना ट्रायल बैलेंस बना ठीक है ना ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपने क्या बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया आपने क्या बनाया आपने क्या बनाया आपने आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने को मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है बोल बोल फटाफट बोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है अच्छा वाला कलर ये वाला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है बोल सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है अपने बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट बराबर के नहीं फिर उसके बाद अपना आता है नोट्स टू अकाउंट्स उसके बाद क्या आता है अपना नोट्स टू अकाउंट्स बराबर फिर उसके बाद वी हैव व्हाट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो ऑल दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ व्हाट ऑल दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सारी बातें मेरा बच्चा किसके अंदर आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है अब तुम समझो बात को ये जो यहां पे हमने बात करी ये क्या हो गए मेरे ये क्या हो गए मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये क्या हो गए मेरे ये क्या हो गए मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए ना इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलूंगा नहीं बोलूंगा भाई ये बोलना बेटा ये जो ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस जो कर रहा हूं यहां पे इसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा बोलो भाई कमेंट में लिखो भाई कि इसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसको अपन अरे बोलो भाई इसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है तुमको बताओ चुप बैठना है ऐसे खड़ूस के जैसे ठीक है बैठो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे कि सर दीज आर वॉट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब ध्यान से मन लगा के कॉन्सेंट्रेट करना तो जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है हमने सर जाना है समझा है पहचाना है कि जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना सर तो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर बहुत सारे सर देखा है हमने अकाउंट्स में इसके अंदर चांसेस है कि क्या हो सकता है इसके अंदर क्या आ सकता है एरर्स आ सकते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आ सकता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ सकते हैं क्या बहुत सारे अलग अलग तरीके के एरर्स आ सकते हैं क्या आ सकता है एरर्स आ सकते हैं एरर्स बराबर के नहीं इसके अंदर क्या आ सकता है एरर्स आ सकते हैं और वो एरर्स कौन से कौन से हैं सर बचपन से पढ़े हैं सर मजा आ गया था सर बचपन में पढ़ा था हमने बहुत ही तूफान पढ़े थे सर तो अलग अलग टाइप के एरर्स आ सकते हैं वो कौन से कौन से है एरर्स बुक्स ऑफ अकाउंट जब अपन मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के एरर्स आ सकते हैं वो कौन से एरर्स ऑफ ओमिशन बोलो एरर्स ऑफ ओमिशन एरर्स ऑफ कमीशन फिर उसके बाद कौन से है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एरर्स एरर्स फिर उसके बाद और कौन सा एरर आता है उसके बाद और कौन सा आता है एरर यहां पे और आता है कंपेंसेटिंग एरर्स बराबर की नहीं सो ये अलग अलग टाइप के एरर्स हो सकते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन एरर्स ऑफ कमीशन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर्स बराबर की नहीं सो इट इज ऑब्वियस कि जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो उसके बेसिस पे क्या हो सकता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब मेंटेन कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी गलतियां आ सकती है सर उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ तो गलतियां आ सकती है ये बात तो पक्की है अब तू मेरी बात समझ मेरा बच्चा इन ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे तो अपने क्या बनते हैं बोलता क्यों नहीं इन्ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे तो अपने क्या बनते हैं भाई इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे ही तो अपने बनते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे बनते हैं क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब यह बात तो अपने को दिख गई कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब अपन बनाते हैं उसके अंदर अलग-अलग एरर्स आता है और वो जो अलग-अलग एरर्स अपने को दिख रहे हैं उन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर्स है मैं ऐसे 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 लिखता हूं ये ये गलत हो गया अपन ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं इसको रुको 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 अपन अपन क्या करते हैं हैं ये एरो को इधर से से लेते ऐसा और इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे ऐसा ऐसा करते हैं इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं अब मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो एरोनियस erroneous... बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे बना है जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो एरोनियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे बना है मुझे होंगे कौन होंगे स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन है स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर कौन कौन है हम लोग कहते हैं एक है बैंकर है बराबर फिर एक हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर है बराबर फिर हम लोग कहते हैं कौन है एक इन्वेस्टर है बराबर मैनेजमेंट है बराबर कंपनी के एम्प्लॉज है बराबर ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स है इनके डिसीजन अलग अलग होते हैं और कौन है क्रेडिटर है और कौन है क्रेडिटर है. है? है ये के बेसिस पे क्या कर रहे हैं यहां पे एक सेकेंड रुकना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रहा हूं होल्ड वन एक मिनट के लिए यस yes. तो अब ध्यान से सुनना कि ये जो अपने अलग-अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं ध्यान से सुनो ये इन लोगों को अलग-अलग डिसीजंस लेने हैं बट आप मुझे बताओ अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे अगर ये लोग डिसीजंस लेंगे तो बताओ इनका नुकसान होगा कि नहीं होगा बताओ उनका नुकसान होगा कि नहीं होगा बताओ बताओ मुझे उनका नुकसान होगा कि नहीं होगा बताओ उनका नुकसान हो हो होगा कि नहीं होगा होगा नो डाउट बराबर के नहीं. तो इसीलिए अब यहां पे तुम समझो बात को कि जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलतियां होने के चांसेस है और अगर वो गलतियां वहां पे मौजूद है और अगर वो गलतियां मौजूद है और उसके बेसिस पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर गलतियां होगी तो माई डियर फ्रेंड्स तो माई डियर फ्रेंड्स क्या होगा क्या होगा जो बैंकर है जो शेयर होल्डर है जो इन, इन्वेस्टर है जो मैनेजमेंट है जो एम्प्लॉयज है जो क्रेडिटर है बाय गॉड सबके डिसीजन गलत हो जाएंगे यार सबका नुकसान हो जाएगा तुम समझ रहे हो इन सबका नुकसान हो जाएगा और और तो और ये जो लोग है मुझे एक बात बताओ कैन दे एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स नो दे कैनॉट एक्सेस बुक्स ऑफ बैंकर थोड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करेगा बराबर के नहीं इन्वेस्टर थोड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करेगा उनको तो सिर्फ एक्सेस का मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मिलता है ना आई बात समझ में आपको बोलो यस और नो यस तो इसीलिए यहां पे ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके अंदर कहीं कुछ गलती तो नहीं है ना इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहां पे इस सबका हम लोग क्या कराते हैं हम लोग इन सबका कराते हैं ऑडिट आई बात समझ में हम लोग इस सबका क्या कराते हैं ऑडिट कराते हैं क्लियर है ना और ऑडिट करने वाला व्यक्ति कौन बराबर की नहीं इस सब पे क्या होता है ऑडिट बराबर और ये जो ऑडिट करने वाला व्यक्ति कौन बताइए कौन तो यहां पे इस पे जो ऑडिट करने वाला जो व्यक्ति है ये कौन है ऑडिटर और ऑडिटर ने ऑडिट करने के बाद वो क्या करेगा इसके ऊपर वो बनाएगा अपनी एक रिपोर्ट और ये रिपोर्ट पेश की जाएगी उस स्टेक होल्डर को और फिर इस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या हो जाएगा ये स्टेक होल्डर्स अपने अपने डिसीजन लेंगे समझ रहे बात को ये स्टेक होल्डर्स अपने अपने डिसीजन लेंगे तो भाई इसके लिए अपन ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसके लिए अपन ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऑडिट समझा गया समझा गया बोलो भाई दिस इज वॉट वी आर डिस्कसिंग क्लियर है एकदम बच्चे कुछ बच्चे जबरदस्ती का कुछ कुछ कमेंट कर रहे हैं डिस्टर्ब हो रहा है इसके लिए चैट ऑफ कर दिया है ठीक है टेंशन नहीं डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में जितना सिंसियरली फेस टू फेस पढ़ते हैं उतना ही सिंसियरली अपने को लाइव में भी पढ़ना है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है ना सो so यहां तक आपको समझ में आया क्या वॉट इज ऑडिट क्लियर हो गया एकदम वॉट इज ऑडिट परफेक्ट है एकदम यस yes. ट वी टॉक अबाउट इज ऑडिट सो ऑडिट मतलब क्या हो गया कि जो अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ गलतियां हो सकती है वो गलतियां नहीं हो इसके लिए ऑडिटर आएगा और ऑडिटर ऑडिट audit करेगा अब ऑडिटर ऑडिट audit करेगा मतलब ही क्या बोला अपन ने ऑडिटर ऑडिट करेगा मतलब क्या करेगा ऑडिटर इसके ऊपर करेगा क्या ऑडिटर करेगा इसके ऊपर चेकिंग और वो चेकिंग करके देखेगा कि उसमें कुछ एरर्स एंड फ्रॉड्स तो नहीं है ना और उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट करेगा आई बिलीव आपको ये बेसिक बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी दिस इज वॉट इज ऑडिट करेक्ट एकदम यस तो जब मैं यहां पर आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टूडेज टॉपिक वुड बी वुसिक द इंट्रोडक्शन आपको आज समझना है कि वॉट इज द नेचर ऑफ ऑडिट की भैया, ऑडिट होता क्या है ऑडिट होता क्या है आई बात समझ में आपको ऑडिट होता क्या है ये अपने को जानना है यह अपने को समझना है ठीक बात है एकदम सो yes. so अब हम लोग क्या देखते हैं वॉट इज ऑडिट चलो ऑडिट so, का अभी हम लोग क्या करने वाले अभी हम लोग ऑडिट का एक बहुत ही अच्छा खासा डेफिनेशन हम लोग देखेंगे अभी हम लोग क्या करेंगे अभी ऑडिट का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे ठीक है एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा समझिएगा अब ऑडिट की क्या कहता है वो बात तो वो कहता है ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ये तो आपको दिख रहा है बराबर एक एक वर्ड आपको अभी समझ में आना चाहिए एकदम मन लगा के अंदर तक जाना है आपको सो वॉट इज ऑडिट तो ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन इतना समझ में आ गया आपको वॉट इज ऑडिट ऑडिट आपको समझ में आ गया वॉट इज ऑडिट इट इज वॉट एन एग्जामिनेशन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन क्लियर है ना एकदम बात अब ये जो एग्जामिनेशन है ये इसको अपन ने तो डिस्कशन कर लिया ऑफ वॉट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये भी समझ में आ गया आपको यहां पे इतना जो मैंने आपको बताया तो ये सारा का सारा जो मामला है बराबर के नहीं ये यहां पे आप देखिए जरा समझिएगा ये जो पूरा जो अभी सर्कल में डाल रहा हूं ये जो है ऐसा इसको सर्कल नहीं आ रहा है इसको ये अजीब तो अपन क्या करते हैं इसको कैसे मैं इसको रुको हम्म 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 ये जो बॉक्स के अंदर है बॉक्स टेढ़ा हो गया सीधा बॉक्स बनाएंगे यस अभी ध्यान से सुनो जी सो अब ये जो बात है ना ये जो है ये पूरा का पूरा इसको मैं क्या कह सकता हूं दिस एंटायर थिंग वॉट डू आई कॉल दिस एंटायर थिंग एस इसको अपन क्या बोलेंगे दिस इज नथिंग बट नॉट वी कॉल इट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके अंदर एरर्स एंड फ्रॉड्स हो सकते हैं ना सो ऑडिट के डेफिनेशन की दो बातें आपने समझ ली होगी कि ऑडिट मतलब क्या बोला था अपन ने ऑडिट एक जगह अपन ने बोला था इट इज वॉट एग्जामिनेशन क्या बोला था एक जगह अपन ने ऑडिट इज व्हाट एंड एग्जामिनेशन ऑडिट इज व्हाट एंड एग्जामिनेशन तो बेटा यहां पे देख ले डेफिनेशन के अपने दो पॉइंट ऑडिट इज व्हाट एंड एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिख रहा है क्या आपको बस यही 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 डेफिनेशन ऐसे भाई ऐसे पढ़ते जाएगा ना कॉन्सेप्ट समझते जाएगा ना कहानी बहुत आसान होगी तेरी समझ मेरी बात को वॉट इज एन ऑडिट सो ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बट अब एक बात जो अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या कहता है ऑडिट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन माइ डियर फ्रेंड ऑडिट इज वॉट एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओहो हो तो समझ रहा है बात को तो बात को समझ रहा है ऑडिट भाई सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है यहां पे वो एक कहता है कि ऑडिट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन बट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन भाई ऑडिट इज व्हाट एन इंडिपेंडेंट इट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन अब आप बोलोगे कि सर व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बराबर के यहां पे जब हम लोग कहते हैं ना इंडिपेंडेंट तो यहां पे इंडिपेंडेंट मतलब हम लोग क्या कहते हैं फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे कोई भी किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसे उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ताल्लुकात नहीं होनी चाहिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तौर पे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए आई बात समझ में आपको ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट नॉट बायस प्रियांशु नॉट बायस शुड बी फ्री फ्रॉम वॉट एनी इंटरेस्ट इन दी एंटीटी उसको कोई भी उसके अंदर मोहमाया नहीं होनी चाहिए करेक्ट है ना आई बात समझ में आपको तो तुम समझो मेरी बात को अब यहां पर यहां पे अगर यहां पर एक कंपनी है ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेंट्रेट एवरीबडी ये एक कंपनी है कोई ये एक कंपनी है कोई ठीक है और ये जो कंपनी है इट इज ओन बाय माई डैड तो यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज माई दिस इज माई अरे डैड्स कंपनी ये हमारे बाउजी का कंपनी है दिस इज माई डैड्स कंपनी अभी ध्यान से सुनना अब ये जो है ये हमारे बाउजी की कंपनी है ध्यान से सुनना अब ये डैड की कंपनी है अब जैसे मैं यहां पे मैं यहां पे एजे एजे है ना अभी सीए बन गया मैं सीए बन गया बधाइया थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैं सीए बन गया अब सीए बनने के बाद अपन ने डिसाइड कर लिया कि भैया अपन ने क्या करना है अपन ने जब सीए बनेंगे तो अपन शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस क्या शुरू करेंगे अपन अपनी प्रैक्टिस तो अभी प्रैक्टिस करना है बोला तो क्लाइंट तो चाहिए और लगेज ऐसा थोड़ी है कि आप ऑफिस डाल के बैठ गए और आपके पास लाइन लगेगी ऐसे कि आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आएंगे आपके पास नहीं आएंगे आपके पास क्लाइंट्स लगेज बराबर तो इसके लिए मैंने क्या किया मैं अपने पापा को जाके बोला पापा मेरे डैड मैंने पापा को बोला पापा सुनो ना मुझे ना आपकी कंपनी का ऑडिट करना है बस आई वॉन्ट टू डू ऑडिट ऑफ योर कंपनी पापा प्लीज 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 मुझे आपकी कंपनी का ऑडिट करना है पप्पा पप्पा बोलते नहीं भाई मैं ऑलरेडी मेरा एक ऑडिटर है चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके पास मेरा सालों से ऑडिट चल रहा है नहीं नहीं तुझे तुझे नहीं दूंगा मैं बोला नहीं पापा, मैं भी तो सीए बन चुका हूं मेरे को भी तो ऑडिट करना है प्लीज ना पप्पा प्लीज ना मैं लिटरली ऐसे गिड़ गिड़ाया पप्पा के पाव पकड़ लिया पप्पा को बोला पप्पा प्लीज मेरे को आपके कंपनी का ऑडिट करना है मेरे को प्रैक्टिस करना है भाई मेरे को क्लाइंट है बोला ठीक है रोमात जिद मत कर ठीक है अगले साल से इस साल से नहीं अगले साल से अपन खुश हो गए हैप्पी वेरी हैप्पी फुल एग्जाम भाई क्लाइंट मिल गया ना भाई क्लाइंट मिल गया बराबर तो अब क्या हो गया यहां पे अपन ने शुरुआत करा ऑडिट फॉर लेटेस्ट से फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर अभी लेटेस्ट केस ऐसे बात करते हैं अपन अपन ने शुरुआत कर लिया अपना ऑडिट करने का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 देखो 2021 नहीं अभी अपन बात करेंगे 1920 के फाइनेंशियल ईयर 1920 का अपन ने ऑडिट स्टार्ट करा पापा के कंपनी के अपन ने ऑडिट शुरू कर लिया फाइनेंशियल ईयर 20 1920 का अब हुआ क्या ध्यान से सुनना अब हुआ क्या भाई अब हुआ क्या हुआ ये क्या मैं जैसे ही ऑडिट करना चालू कर दिया ना भाई जैसे ही ऑडिट करना चालू कर दिया देखा तो क्या यार पापा का बिजनेस जो है ना दिख रहा है लॉसिस में ओ पापा का बिजनेस दिख रहा है लॉसेस में ये बातें काल्पनिक है वास्तविक में इसका कोई भी संबंध नहीं है ध्यान से सुनिएगा ये बातें काल्पनिक है ऑल दी एग्जांपल्स इन द क्लास आर फिक्शनल एनी रिसेम्बलेंस टू द पर्सन लिविंग और डेड और एनी एग्जांपल्स कमिंग इन दिस पिक्चर आर व्हाट ऑल काल्पनिक इट इज व्हाट फिक्शनल ठीक है सो so, <laughs> तो अब क्या हुआ भाई तुम समझो बात को दिखता है पापा का फाइनेंशियल ईयर 1920 जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्या है वो क्या है लॉसेस में है बॉस मैंने देखा है मैंने तो पापा लॉस अरे यार लगता तो नहीं है इतना तो आप खर्चा करते हो पापा इतनी गाड़ी महंगी है वो ऐसा वैसा लॉस में तो नहीं लगते हो और जाके देखा और डिटेल में देखा और डिटेल में देखा देखा तो क्या चोरी हो रही है यहां पे टैक्स की यहां पे प्रॉफिट नीचे दिखाया गया है सारा का सारा इनकम बुक नहीं किया गया ओ माय गॉड पापा क्या कर रहे हो ये पापा व्हाट आर यू डूइंग डूइंग पापा व्हाट आर यू लॉसेस में दिखा रहे हो जबकि आप एक्चुअल में प्रॉफिट में रुको अभी हम लोग फुनुआ लगाते हैं मोदी जी को मोदी जी को बोलते हैं मोदी जी मेरे पापा जो है चीटिंग कर रहे अपना टैक्स पूरा पूरा नहीं भर रहे पापा चीटिंग कर रहे पापा ने बोला बेटा इधर आ बेटा इधर आ बेटा इधर बोला क्या हुआ पापा पापा ने एक था चोर का तमाचा और पापा बोले मोदी जी को बताएगा रिपोर्ट करेगा तू है फिर अपन दूसरी तरफ बोलते आरे नहीं पापा नहीं पापा नहीं पापा मैं तो मस्ती कर रहा था मैं थोड़ी रिपोर्ट कर रहा था मैं तो बस यू ही बोल रहा था अब मुझे बताओ यहां पे मैं रिपोर्ट करेगा क्या यहां पे मैं रिपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा तो अब जब ऐसे चीज हो जाएगी तो मेरा यहां पे इंडिपेंडेंस यहां पे मेरा इंडिपेंडेंस रहेगा क्या नहीं रहेगा आई एम इंटरेस्टेड बराबर के नहीं या तो विदाउट या तो दूसरा क्या कह सकते हैं फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट ये एक हो सकता है इसका मतलब या तो दूसरा मतलब हम लोग क्या कहते हैं यहां पे दूसरा मतलब हम लोग क्या कहते हैं विदाउट एनी बर्डन विदाउट एनी बर्डन इंडिपेंडेंट होना चाहिए आई बात समझ में आपको विदाउट एनी बर्डन तो अब जब ऐसे पापा के बिजनेस के में रिपोर्ट नहीं करेगा तो अब पापा के बिजनेस के अंदर के जो स्टेक होल्डर्स होंगे अब मुझे बताइए अगर ऑडिटर साहब ने इसको रिपोर्ट नहीं किया ऑडिटर साहब ने इसको अगर रिपोर्ट नहीं किया तो स्टेक होल्डर्स का फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेटा अफेक्ट होगा कि नहीं होगा स्टेक होल्डर्स का फाइनेंशियल इंटरेस्ट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा बोलो होगा ही ना इसमें कोई डाउट है क्या आपको नहीं तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं ऑडिट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन मेरे साथ साथ दोहराओ घर पे बैठे तो क्या हुआ आपने बोलना बहुत जरूरी है ऑडिट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन बट इट इज वॉट इट इज वॉट एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑडिट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन बट इट इज वॉट एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो अपना जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक। उसमें क्या हम लोग सीखते हैं कि मीनिंग ऑफ़ द ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जिसमें आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए यू शुड बी फ्री फ्रॉम द इंटरेस्ट करेक्ट है ना देन व्हाट ऑडिट किसका होगा भाई तो आगे की कहानी भाई एकदम सिंपल है अब तो कोई मजा आ जाएगा तो क्या कहता है ये ऑफ एनी एंटिटी ऑडिट किसका होगा आपके बिजनेस का होगा मेरे बिजनेस का होगा इंडिविजुअल का होगा फर्म का होगा कंपनी का होगा एचयूएफ का होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन का होगा ऑडिट होगा तो किसका होगा भाई तो क्या कहते हैं ऑडिट किसका भी होगा ऑडिट किसी का भी हो सकता है करेक्ट है ना सो ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी ऑफ एनी एंटिटी एनी एंटिटी का मतलब क्या है पे पे तू समझ समझ रहे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बच्चा ऑफ एनी एंटिटी मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे वो फर्म भी हो सकती है वो कंपनी भी हो सकती है वो एच भी हो सकता है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है वो एल भी हो सकता है अरे कोई भी हो... भी हो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है तुम करा सकते हो ऑडिट अरे मेरी मर्जी मेरे को कराना में कराएगा ना कौन रोकेगा मेरे को बताओ मेरी मर्जी ना मेरी मर्जी है ना मैं कभी भी ऑडिट कराएगा भाई कभी भी ऑडिट कराएगा मेरी मर्जी है। सो चाहे मैं प्रॉफिट करूं या ना करूं अब अब आप कोई कोई बोलेगा सर आप प्रॉफिट में नहीं तो ऑडिट क्यों करा रहे हो कोई बच्चा क्या बोलेगा कोई बच्चा क्या बोलेगा कि भाई सर मैं प्रॉफिट में नहीं हूं तो मैं ऑडिट क्यों कराऊ कोई बोलेगा कोई बोले है, कोई बोलेगा बोलेगा ऐसा क्या सर इफ यू आर नॉट इन प्रॉफिट आर यू कंडक्टिंग प्रॉफिटिंग ऑडिट अरे भाई प्रॉफिट में नहीं हुई ऑडिट क्यों कराऊंगा क्योंकि भाई सिंपल सिंपल सी सी बात है. सी बात है है क्या हो गया है क्या हो गया है मेरा नुकसान हो रहा है मुझे उस नुकसान की जड़ तक पहुंचना है कि आखिर वाई एम आई सफरिंग दैट्स आई विल कंडक्ट ऑडिट टू फाइंड आउट द कॉजेज फॉर माई लॉसिस आई कैन डू ऑडिट मुझे पता नहीं चल रहा होगा कि किस वजह से मेरा लॉस हो रहा है ना तो आई कैन कैरी आउट वॉट ऑडिट बाई तुम समझ रहे क्या बात को तुम समझ रहे हो क्या बात को? So, बात को को यस सो आप तुम समझो ऑडिट किसका भी हो सकता है प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट अब कंपनी की बात करें कंपनी लॉस में तो भी ऑडिट करना पड़ता है कंपलसरी है उनको ऑडिट करना सो so, चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो ऑफ इफिट साइज और लीगल फॉर्म लीगल फॉर्म मतलब क्या है लीगल फॉर्म मतलब कि आपका ये ये जो है ना लीगल फॉर्म इसको बोलते हैं लीगल लीगल फॉर्म कंपनी एओपी ये अलग अलग फॉर्म्स करेक्ट है. है ना ये अलग अलग लीगल फॉर्म्स और ये जो एग्जामिनेशन है फिर क्या कहते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं वेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देर ऑन अब ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन करके अपन ने यहाँ पे रिपोर्ट दिया था ना इस रिपोर्ट में अपन क्या देंगे भाई इस रिपोर्ट में नो डाउट अपन क्या देंगे एग्जामिनेशन करने के बाद अपन क्या देंगे भाई एग्जामिनेशन करने के बाद अपन क्या देंगे ओपिनियन देंगे अपना ओपिनियन क्या है कि भाई वो सब बराबर है या नहीं है आई बात समझ में आपको वेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देअ ऑन दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में बाद में अवेलेबल कर दिया जाएगा ठीक है रिलैक्स मार निखिल जैन अपने आप को संभाल बेटा ठीक है ना ओके निखिल जैन अच्छा बच्चा है तू बेटा नोट्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में आ जाएगा है ना फर्स्ट चैप्टर का लिंक मिल जाएगा बेटा स्माइल करो एक बार थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं बेटा थोड़ा स्माइल करो वेरी गुड ओके ठीक है सो so, अब आप ये ऑडिट क्यों करते हो विथ एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन परफेक्ट है तो आप आपका ओपिनियन दे दोगे बराबर के नहीं आप आपका ओपिनियन दे दोगे और उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा आप आपका ओपिनियन दे दोगे उसके बेसिस पे फिर वो जो स्टेक होल्डर्स है वो अपना अपना क्या कर सकते हैं वो अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं आई बात समझ में आपको एनी वन एनी क्वेरी एनी डिफिकल्टी चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आएगा डेफिनेशन समझ नहीं?

मतलब वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएटेड और नॉट इर रिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म

इर रिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म वेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देर ऑन परफेक्ट है अब बिना देख के बोलेंगे आखिरी बार फिर खला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी कोई भी एंटिटी का बराबर के नहीं ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इर ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन परफेक्ट समझ में आ गया आपको यस yes. अब आपको यह सिंपल इंट्रोडक्शन आपको लिखना है अभी अब यह जो इंट्रोडक्शन मैं आपको लिखा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा अभी आपको मेरे साथ लिखना है यह सब पूरा अच्छे से आपको यह सब लिखना है ठीक है ना सो so, ध्यान से सुनो एकदम मन लगा के सो so, यहां पे सबसे पहले क्या होता है ट्रांजैक्शन होता है ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम लोग ये अभी लिखो साथ में ठीक है ना ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम लोग पास ऑन करते हैं जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे लेजर पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस ठीक है ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो सकता है र कैन भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स वो एरर्स कौन से कौन से हो सकते हैं सो एर हो सकते हैं कौन से कौन से एरर्स ऑफ ओमिशन एरर्स ऑफ कमीशन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेन्सेंगर करेक्ट है ना इन बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे अपने जो बनते हैं वो क्या बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे जो बनते हैं वो बनते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है क्या बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश फ्लो फंड फ्लो नोट्स टू अकाउंट्स एंड लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑल दिस फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर के दें उसके बाद क्या कहते हैं इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेंस एरर्स एंड फ्रॉड्स डिसीजंस टेकन बाय यूजर्स विल बी affected resulting into losses therefore audit of books of accounts and financial statements must be carried out therefore audit must be carried out correct I them yes so इसमें हम लोग क्या कहते हैं ऑडिट डेफिनेशन की पॉइंट्स की पॉइंट्स क्या है इट इज नंबर वन नॉट जस्ट एनी एग्जामिनेशन इट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनी एंटिटी एंड होने के बाद हम लोग क्या देते हैं उसके ऊपर ओपिनियन अब जो अपने को आगे जो डिस्कस करना है मामला वो होगा ओपिनियन से राइट सो दिस इज इट जो अपना अभी तक का डिस्कशन हुआ एंड पे हुआ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन तो ओपिनियन मतलब क्या है फिर वो अपने को डिस्कस करना है फटाफट राइट दिस डाउन इन फाइव मिनट्स कम पांच मिनट में इसको नोट डाउन कर लीजिए क्चर विल बी पोस्टेड ऑन यूट्यूब गाइज मोहम्मद अली बेटा ये लेक्चर पोस्ट होगा यूट्यूब पे और जरूर आपके दोस्तों को बताइएगा कि अगर उनका लेक्चर यह मिस हो गया होगा या बाद में ज्वाइन किया होगा उन्होंने लेट सो नो वरीज दे कैन वॉच दिस लेक्चर लेटर ऑन ऑल्सो ई एंड एफ का मतलब है प्रसाद बेटा इट इज एर एंड फ्रॉड्स नोट कर लो या तो अभी इसका आप क्या करो अगर आपके पास आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सर अभी फर्स्ट डे पे ही लिखाएंगे कुछ कराएंगे तो ऐसा इमोशनल हो गए होंगे कि यार फर्स्ट डे से पढ़ाई कौन शुरू करता है यार तो ध्यान में रखना टाइम इज वेरी वैल्यूएबल बराबर है ना टाइम इज वेरी क्रूशल सो अगर आपके पास ये अभी नहीं है तो इतने जो ये स्लाइड आपको दिख रहा है इसका आप स्क्रीन ले लीजिएगा करेक्ट है ना और स्क्रीन लेने के बाद आराम से इसको नोट्स में आप लिख लेना करेक्ट है सो अब जो अपन आगे बढ़ने वाले हैं वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने एक स्क्रीनशॉट ले लो आप ठीक है ना तो बाद में आप आपके ऑडिट के नोटबुक में इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन करना ठीक है ना एकदम प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चों के जैसे बिल्कुल भी अपने को केयरलेस नहीं होना है ध्यान में रखना है कि अपन अभी घर पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना वक्त जाया करें डोंट बी वे यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं ठीक है ना और अपन बात करेंगे अब जो अपने को नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को डिस्कस करना है दैट इज इन रिलेशन टू व्हाट ओपिनियन ओपिनियन क्या है तो ओपिनियन क्या होता है अगर आपको ये जानना है तो आप और हम मिलेंगे कल ठीक है ना टू अंडरस्टैंड आज फर्स्ट डे है थोड़ा रिलैक्स एकदम मन लगा के आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया बोलोगे सर नहीं तो हम तो भूल ही गए ये भी हमको कुछ करना था करके सो so, इसका भी एक ले लो कि ये सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं हमें तो ये ध्यान में रखना कि आपको ऐसे ऐसे चीजें भी हैं तो कल जो लेक्चर होगा वो आपका लेक्चर होगा दो बजे ठीक है ना ऑडिट लेक्चर इज बी कंडक्टेड एट टू ओ क्लॉक रेगुलरली करेक्ट है सुबह आपका लेक्चर दस बजे शुरू होगा ई आई एस का बाय स्विल सर टेन ओ क्लॉक ई आई एस का लेक्चर होगा आफ्टर दैट ट्वेल्व ओ क्लॉक अराउंड इलेवन थर्टी ट्वेल्व ओ क्लॉक आनंद सर लेक्चर विल बी देर फॉर एडवांस अकाउंट्स देन एट टू ओ क्लॉक इट विल बी माई लेक्चर ऑडिट का एंड उसके बाद अराउंड फोर ओ क्लॉक फोर ओ क्लॉक येस करेक्ट है ना एट फोर ओ क्लॉक फोर फिफ्टीन अराउंड लेक्चर विल बी ऑफ स्वप्निल्ड इको करेक्ट है ना चारों लेक्चर्स आपके रेगुलर जो फेस टू फेस क्लासेस जैसे होती है उसी के जैसे आपके लेक्चर्स होंगे करेक्ट है ना सो यू नीड नॉट वरी सिलेबस अपना टाइम पे ही कवर हो जाएगा और वो रूटीन में ऐसे ही चलेगा द ओनली थिंग दैट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज आपको रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करने हैं करेक्ट है ना एकदम यस yes. बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना कि कैसे पढ़ाई होगी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे देखिए चैलेंजिंग टाइम्स हम सबके लिए है बट इन चैलेंजिंग टाइम्स में ही एक इंसान कोयले से हीरा बनता है बराबर नहीं तो फेस चैलेंजिंग टाइम्स उसको पॉजिटिव तरीके से उसको इस्तेमाल करिए और अपन बहुत आगे बढ़ेंगे ठीक है ना सो चैलेंजिंग टाइम्स को एकदम अच्छे से डट के सामना करेंगे घर पे रहे सेफ रहे सुरक्षित रहे राइट right? चलिए आपकी क्लासेस सब जगह चलेगी लैपटॉप पे चलेगी मोबाइल पे चलेगी एवरीवेयर इट विल बी प्लेड सो यू नीड नॉट वरी करेक्ट है ना संडे इट विल बी ऑफ बेटा uh, प्रसाद भाई संडे को ऑफ होगा कोई टेंशन नहीं है करेक्ट है ना पहले के दस क्लासेस शुभम बेटा यूट्यूब uh, पर ही होंगे क्लासेस ठीक है ना ओके okay. सो so, अभी सर का लेक्चर शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में तो आप थोड़ा ब्रेक वेक ले लो फ्रेश हो जाओ और आपको अभी का लेक्चर अगर मजा आया होगा तो प्लीज लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि कौन से लेक्चर कंडक्ट हो रहे अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि ओके द लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड सो यू विल बी नोटिफाइड एंड फिर आप इमीडिएटली लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हो राइट right? चलो थैंक यू वेरी मच गाइज लव यू स्टे ब्लेट आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई होगी आपको ऑडिट क्या है वो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा थैंक यू बाय बाय